ये जो भावना भीतर से आ जाती है वितरागता के प्रति, भगवान जिनेंद्र देव के प्रति, गुण गुरुओं के प्रति, शास्त्रों के प्रति एक ऐसा समर्पण का भाव, इसके अलावा दुनिया में कुछ भी सच्चा नहीं है। इसी को आचार्यों ने सम्यक दर्शन का भाव कहा है। ये भाव केवल बाहरी कारणों से नहीं मिलता। बाहर में तो आचार्य महाराज हो, चाहे किसी प्रकार के जिन बिंब हो, चाहे अच्छे बड़े से बड़े जिन मंदिर हो, सब कोई सब कुछ देखता है, लेकिन अंतरंग में भी अगर उस समय पर कर्मों की मंदता से, परिणामों की मंदता से, कसायों की मंदता से आनंद का भाव उत्पन्न हो जाए, संक्लेश बिल्कुल छूट जाए और विशुद्धि के भावों से जिस समय पर तुम्हारा मन भर जाए, उसे अपनी डायरी में हमेशा के लिए अंकित कर लेना। डायरी नहीं भी हो तो अपने दिमाग में हमेशा के लिए फीड कर लेना। ये हमारा जो परिणाम है, ऐसा परिणाम ही सम्यक दर्शन का परिणाम होता है। किसी से कहने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं आत्मानुभव से सम्यक दर्शन होता है, कभी नहीं होता है। आत्मानुभव वाला सम्यक दर्शन दूसरा सम्यक दर्शन है, वो बाद में होगा, वो तब होगा जब तुम निर्ग्रंथ बन जाओगे। लेकिन निर्ग्रंथ बनने से पहले तुम्हें जो सम्यक दर्शन होगा वो तब होगा जब तुम निर्ग्रंथ गुरुओं को देख करके तुम्हारे आंखों से आंसू छलकने लग जाएंगे।